अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन दिस इज लेक्चर फॉर क्लास वन सब्जेक्ट इंग्लिश टुडे वी विल राइट एन एसे अबाउट माय कैट देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू स्टूडेंट टुडे वी विल राइट अबाउट माय कैट डू यू लाइक कैट्स खेड्स आपको कैट्स पसंद है ये डू यू नो खैट्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैट्स इन द वर्ल्ड कि जो खैट है वो जो दुनिया का सबसे पॉपुलर मशहूर फेमस एनिमल है वो कौन सा है कैट्स के लोग इसको शौक से अपने घरों में रखते हैं तो इसलिए मेरा जो खै आज हम अपने खैट के बारे में राइट करेंगे ले मानो इज माई खैट मानो जो मेरी खैट है उसका नेम क्या है मानो मानो इज़ माई खैट इट्स कलर इज़ वाइट इट्स कलर इज़ वाइट इट हैज़ टू आइज इसकी टू आइज हैं इट हैज़ फोर लेग्स इसकी फोर लेग्स हैं हम ये सारा अपनी खेड के बारे में बताएंगे इट हैज़ टू ईर्स के इसके टू कॉन हैं इट ड्रिंक्स मिल्क और ये दूध पीती है इट लाइक्स टू स्लीप कि जो कैट्स का फेवरेट हॉबी हो होता है वो होता है सोना स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि जो कैट्स होती हैं वो एक दिन में कितने घंटे सो सकती हैं ये थर्टीन टू फोर्टीन आवर्स कि वो थर्टीन टू फोर्टीन आवर्स स्लीप कर सकती हैं तो इसलिए जो मेरी कैट है उसको भी स्लीप करना बहुत अच्छा लगता है इट प्लेज विद मी और ये मेरे साथ खेलती भी है कि जो मेरी मानो कैट है वो मेरे साथ खेलती भी है इट इज़ वेरी नोटी बहुत शरारती है आई लाइक इट वेरी मच और मैं इसे बहुत पसंद करती हूं तो स्टूडेंट्स सर आपने माइक हैड के ये लाइंस जो है लर्न भी करनी है और इनके नोटबुक पर आपने प्रैक्टिस भी करनी है लेट्स रिवाइज इट मानो इज माइक कैट इट्स कलर इज वाइट इट हैज टू आईज इट हैज फोर लेग्स इट हैज टू ईयर इट ड्रिंक्स मिल्क इट लाइक्स टू स्लीप

लेकिन जो प्रो होता है उसको हम नॉन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अली एंड आई अगर हमने अली और आई के बारे में हमने कोई बात करनी है तो इन दोनों का प्रो को होगा वी क्योंकि जिसके साथ आप किसी दूसरे नेम्स के साथ आप अपना आई यूज़ करेंगे तो वो उसका प्रो क्या होगा वी के हम जैसे साकिब साकिब के नेम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे ही आयशा कोई भी गर्ल नेम हो वुमेन नेम हो तो उसके नेम के जगह हम शी यूज़ कर सकते हैं कैट एनिमल थिंग्स तो उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे इट उसका प्रोनाउन है इट सादिया एंड सना अब देखें ये टू है तो इनके ग्रुप का हम यूज़ कर सकते हैं दे कि स्टूडेंट ये इन प्रोनाउंस हैं कि बॉयज़ के साथ नेम की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं ही गर्ल के नीम के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं शी कैट्स एनिमल थिंग वगैरह के उनकी का यूज़ करेंगे इट तो ये सारे प्रो है हैं ये nouns हैं और ये क्या है pronouns फॉर एग्जाम्पल सना इज राइटिंग अ स्टोरी अब देखिए सना इज राइटिंग अ स्टोरी इसमें हमने नॉन यूज़ किया और अब जब हमने इस फिर इसी के बारे में हमने बात करनी है तो इसका हम pronoun यूज करेंगे कि शी इज़ अ गुड राइटर कि वो एक अच्छी स्टोरी राइट कर सकती है तो देखें यहाँ पे सना है तो उसके नेम की जगह हमने क्या यूज़ किया शी कि हमने बार बार ये नहीं बोला कि सना इज अ गुड राइटर इसे नेक्स्ट है असद इज अ कुक कि असद जो है वो एक कुक है वो खाना पकाता है अब हमने फिर इसके बारे में बात करनी है तो हम उसके नेम की जगह उसका क्या यूज करेंगे प्रो असद नोन ही क्या है इसका प्रो ही इज़ द गुड वो एक अच्छा बावर्ची है जब हम नेम की जगह कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्रोनोन। नॉन फॉर एग्जाम्पल खेट हैज़ फोर लेग्स कि खैट की कितनी लेग्स हैं फोर अब हमने फिर खैट के बारे में बताना है इट हैज़ टू आइज़ कि इसकी कितनी आइज़ हैं टू आइज़ हैं जैसे हमने खैट्स के बारे में ही राइट करना cat है खैट खैट हैज़ फोर फोर लेग्स खैट हैज़ टू आइज खेट हैज़ टू ईर्स तो हम देखें इस तरह हम कैट बार बार कैट नहीं बोलते हम कैट की जगह क्या यूज करते हैं इट इट हैज टू आईज इट हैज फोर लेग्स तो जो इट है वो क्या है प्रो नेक्स्ट है टू गर्ल्स टू गर्ल्स वॉक टू स्कूल अब आप देखे टू गर्ल्स जो है वो नाउन है अब जब हम इनके बारे में राइट करेंगे तो हम जो इनका प्रो क्या यूज करेंगे दे दे आर फ्रेंड्स क्योंकि वो फ्रेंड्स है यहाँ पे हम ये राइट नहीं करेंगे टू गर्ल्स आर फ्रेंड्स टू गर्ल्स वॉक टू स्कूल एक दफा हम नॉन राइट कर देते हैं लेकिन बार बार जब भी हमें उनके बारे में बात करनी हो उमजीद तो उसमें हम उनका प्रो नॉन यूज करते है लेट्स विद मी वट इज नाउन नॉन वट इज प्रो नॉन अ प्रोनॉन इज अ वर्ड द्लेस ऑफ अ नाउन प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जिसको हम नोन की जगह यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही शीट शी इट यू दे वगैरह बॉय के नेम की जगह हम ही यूज करते हैं गर्ल के नेम की जगह हम क्या यूज करते हैं शी और अगर टू या टू से ज़्यादा फ्रेंड्स हो जाए थिंग्स हो जाए तो उनके नेम की जगह हम क्या यूज करते हैं दे स्टूडेंट दिस इज योर डैडी लर्न प्लस प्रैक्टिस माई कैट ऑन नोटबुक अभी जो आपने माइक हेड के बारे में लर्न किया है लाइन्स उनको अपने नोटबुक पर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है मेक फाइव सेंटेंसेज बाय यूजिंग प्रोनोन ऑन नोटबुक कि आपने कोई फाइव सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपने कोई से भी प्रोनोन यूज करने हैं ही शी इट आई यू दे वगैरह कोई से भी आपने प्रो जो है उनको यूज करते हुए आपने फाइव सेंटेंसेज नोटबुक पर राइट करने हैं थैंक यू अ नाइस डे